हरियाणा पोल को न्यूज पर आज आपको दिखा रहे हैं कि बोगर राम कॉलोनी हादसे में एक सांड ने खूब मचाया उत्पात, कई गाड़ियों के तोड़े शीशे, कई गाड़ियों को ध्वस्त किया, मोटरसाइकिल को तोड़ा, एक बुजुर्ग आदमी को भी लिया चपेट में, काफी देर मचा आतंक। इस सांड के आतंक को देखकर लोग घबराए हुए थे। जहां कोरोना वायरस को लेकर आज कर्फ्यू लगा हुआ था, लोग अंदर थे, जब पता चला उनको कि सांड उत्पात मचा रहा है, तोड़ फोड़ कर रहा है, तो लोगों की भीड़ सड़कों पर आ गई। धारा 124 के लगने के उपरांत भी लोग आज इस सांड की करतूत और गुंडागर्दी देखकर लोग बाहर आ गए। दिखा रहे हैं आपको हरियाणा पोल कॉलोनी पर लोगों ने इसकी सूचना तुरंत गोरक्षक दल वालों को दी। गोरक्षक दल वाले आए, उन्होंने मौके पर पहुँच कर सांड को 1.5 घंटे के उपरांत काबू में पाया। यहाँ तक नहीं, सांड को पेड़ के ऊपर बांध दिया और वे यह कहकर चले गए कि इसको गौशाला में भेज दो। आखिर कौन सी गौशाला लेके जाएगी इसको, लेकर ऐसा बना रहा। दिखा रहे हैं आपको हरियाणा पोल को न्यूज पर। हाँ पंकज जी, क्या मामला था जी इसके सांड का? ये मामला ऐसा था जी, थोड़ी देर पहले, एक या 1.5 घंटा पहले की बात है, ये जानवर गली में भागता भागता आया, काफी लोग बच भी गए, नहीं तो जान को खतरा भी हो सकता था। भागता भागता आया, एक फॉर्च्यूनर गाड़ी गली में खड़ी थी, शादी थी गली में, फॉर्च्यूनर गाड़ी का काफी नुकसान कर गया, एक बाइक का नुकसान कर दिया, एक स्कूटी भी खड़ी थी। तो थोड़ी देर बाद मेरे पास फोन आया कि रोड पे ऐसे से आपकी गाड़ी का नुकसान किया जा रहा है भैया, ऐसे से। तो हम रोड पे पहुंचे, देखा कि काफी नुकसान इसने गाड़ी का कर रखा था। मेरी गाड़ी नहीं, और गाड़ियां भी बहुत सी रोड पे खड़ी थी, उन गाड़ियों का नुकसान किया। मैंने फोन करके बजरंग दल से फोन किया, मैंने बजरंग दल वालों को फोन किया, गोरक्षा वालों को, तो राजेश जी को फोन किया, तो ये लोग आए, इनकी टीम पहुंची यहाँ पे। तो आप देख रहे होगी यहाँ पे काफी तरह के लोग, धारा 144 होने के बावजूद भी प्रशासन की कमी के कारण सारा लोग परेशान हो रहे हैं बहुत ज्यादा। अब भी बांध रखे, अगर थोड़ी देर बाद ये छूट गया तो काफी लोगों का नुकसान हो जाएगा, जान माल को हानि हो सकती है। तो तकरीबन गाड़िया आपको अनुमान हो कितनी गाड़ियां ठेस चाहिए, क्षति चाहिए? काफी तरह की गाड़िया यहाँ रोड पे, तो हमारे लगभग लाइनदार गाड़ी खड़ी रहती है, 60 से 70 की एवरेज में रोड पे गाड़ी खड़ी रहती है, और काफी गाड़ियों का इसने नुकसान किया। सैनी साहब, इसको ये आपने पकड़ा है, आप लोगों ने मिलकर गोरक्षक दल वालों ने, तो इसका क्या समाधान करोगे? इसको इसका समाधान अभी देखते हैं, सभी मिलके बात करते हैं, कौन सी गौशाला में या कि कोई एक्सेप्ट करती है तो उसको भेजा जाएगा ये, अदरवाइज यहीं बांध दिया जाएगा, प्रशासन अपने आप ले जाएगा इसे। तो ये कंट्रोल में आ गया सिस्टम? अभी ये कंट्रोल में है, देखो आपके सामने बांध रखा है ये, और ये छोटे छोटे बच्चे हैं, देखने आए हैं कि बैल कैसे बांधा जाता है, लेकिन इन्हें ये नहीं पता कि ये कितनी चोट मार सकता है, इसकी वजह से मेरे हाथ में भी नुकसान हो गया है, हाथ में भी चोट लगी, पट्टी बांधी है मैंने, इसलिए आपको चोट लगी है? हाँ, रस्ते में आ गया मेरा हाथ, इसलिए, और कोई बात नहीं है, ज्यादा बड़ा नुकसान नहीं है, लेकिन चोट लगी है। तो अगर इसका समाधान नहीं हो, रात को कोई खोल देते तो ऐसे कैसे खोल देगा कोई? ये मोहल्ले वाले ऐसे ही थोड़ी ना बैठे हैं, यहाँ 4-5 गाड़ियों को नुकसान कर दिया इसने, और एक बुजुर्ग को भी उठा के फेंक दिया है जो घायल है, सारी नई गाड़ियां थी, और हमारे संजय बब्बर जी भी हमारे बीच आ चुके हैं, इनका भी सहयोग रहा है इन्होंने। आपकी गाड़ियां भी 3-4 खड़ी थी, बचाओ करके आप अपनी गाड़ियों का,
तीन गाड़ियां मेरी खड़ी थी और जब मैं बाहर निकला तो इसने बहुत ज्यादा जो नियर बाई और गाड़ियां खड़ी थी उनको नुकसान पहुंचाया और मैंने बड़ी मुश्किल से अपनी तीनों गाड़ियों को यहां से निकाला, एक अंदर खड़ी की और दो राइट और लेफ्ट में खड़ी की मैंने। अभी भी अंत तक है इसका खुला गया तो अभी अगर ये अभी तो इसको बांध के गए हैं, अगर इसने दोबारा इससे अगर छुड़ा लिया इस पेड़ से तो दोबारा फिर ये नुकसान कर सकता। तो आप इसकी सूचना आगे कर रहे हो गए अभी? अभी इसकी सूचना मैंने की है, उनको फोन किया है, वो दोबारा से आ रहे हैं वो लोग पकड़ने के लिए और इसको लेके जाएंगे और इसको कोई इंजेक्शन को नशे का दे के इसको बेहोश करके लेके जाना पड़ेगा।